अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल से अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज हम लाए हैं आपके लिए नई वीडियो और इसके अंदर हम आपके लिए HP Elitebook 820 G3 मौजूद है हमारे पास, और ये है Core i5 वी प्रो मशीन है। इसमें हम आपको दिखाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है जब इसको हम ऑन करते हैं। इसमें आप साउंड सुन सकते हैं कि साउंड आ रहा है लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा। अब इसकी हम डिसअसेंबलिंग भी करेंगे और साथ में इसको हम चेक भी करेंगे क्या प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। आइए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले रिमूव करेंगे, देख सकते हैं हमने सारे स्क्रूज के रिमूव कर लिए हैं। स्क्रू सारे रिमूव करने के बाद हम इसकी पैक जो बॉडी है इसको ओपन करेंगे। देख सकते हैं आप इसकी कंडीशन, और ये आप इसके अंदर की कंडीशन देख सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे इसमें दो रैम्स मौजूद हैं, हम इसमें से एक रैम को रिमूव करेंगे। उसके बाद जो एक रैम है उस पर हम इसको ऑन करेंगे, देखते हैं इसमें क्या पोजीशन रहती है। इसमें हम पावर लगाएंगे, चार्जिंग ख़त्म है इसकी। देख सकते हैं हमारे पास डिस्प्ले मौजूद आ गया, और इसका मतलब है कि ये रैम शॉर्ट है। इसको हम दोबारा चेक करेंगे, इसको क्लीन करेंगे और इसको दोबारा लगा के देखेंगे। इसको हम क्लीन करेंगे, ये देख सकते हैं दोस्तों हमने इसको दोनों तरफ से क्लीन किया। अब इसको हम लगाएंगे और चेक करेंगे। चार्जर नहीं है, इसको चार्जर लगाएंगे। इसको हम ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद देखते हैं ये अभी भी टूट दे रहा है। इसका मतलब यह है कि वो रैम ख़राब है। उस रैम को हम रिप्लेस कर देंगे और हमारा डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। देखा दोस्तों किस तरह हमने HP Elitebook 820 G3 का डिस्प्ले ऑन कर दिया और रैम का प्रॉब्लम था वो हमने सॉल्व कर दिया। तो देख सकते हैं आप मशीन ऑन हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। पाकिस्तान जिंदाबाद। Yeah, hit the club and someone bought a bottle.